हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो ब्रदर, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को नियॉन बैकग्राउंड डाउनलोड करना एंड बनाना सिखाऊंगा, यानी कि नियॉन बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना पिक्सेल, और जो पहला वेबसाइट है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को भर भर कर बैकग्राउंड मिल जाएगा। कोई सा भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन है, अपने हिसाब से सर्च भी कर सकते हो कुछ। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, इसमें कुछ मॉडिफाइड करता हूँ देन यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल मैं आप लोगों को नियॉन बैकग्राउंड डाउनलोड कर दिखाता हूँ। तो सर्च बार में आकर आप लोगों को सर्च करना होगा नियॉन बैकग्राउंड, तो कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड इंटरफेस हो जाएगा। तो आप लोग सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जैसे कि ये एक बैकग्राउंड है तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड मिलेगा उसका रेजुलेशन लगभग 60,000 या 40,000 के बीच में होगा, तो आपका जो फ़ोटो है वो क्वालिटी कभी भी लॉस नहीं होगा, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ से मैं बैकग्राउंड डाउनलोड भी करता हूँ, और भी एक वेबसाइट है तो वहाँ से भी करता हूँ। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा मैं, इस वीडियो में फ़िलहाल ये वेबसाइट रहने देते हैं। तो कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड है, और एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड है, ठीक है? तो इस पर आप लोग मॉडिफाइड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये बैकग्राउंड तो वैसे भी बढ़िया है, तो मैं थोड़ा इस पर मॉडिफाइड करके दिखाता हूँ। तो स्नैपशीट पर आके हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, देन यहाँ पर HDR स्केप पर आके इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस को लो कर देंगे, तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, और यहाँ पर थोड़ा ब्लर कर देंगे। जो ब्लर है उसका अमाउंट 20-30 के बीच रखना, ठीक है इतना। देन हम लोग टोनल कंट्रास्ट पर आ जाएंगे और जो इसका मिड टोन है उसको इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा। तो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसमें एक PNG ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए कैसा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो PNG ऐड होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो मैं अभी फिलहाल तो इतना एडिट नहीं करता, इसलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो ये वेबसाइट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट पर बता देना ये वेबसाइट के बारे में पहले से आप लोगों को पता था या अभी पता चला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।